VR हेडसेट आपने यूज किया होगा, चाहे वो गूगल का कार्डबोर्ड हो या फिर वो रस्ते में दिखा हुआ, रस्ते में बिछा हुआ आपको कोई सा भी VR हेडसेट, एक व्हाइट वाला जो कि बहुत सस्ता आपको Amazon हो, Flipkart हो, कोई भी e-commerce साइट हो या फिर कहीं भी आपको फुटपाथ पे मिल जाएगा वो VR हेडसेट, जहाँ पे कि आप अपने फोन को उसके अंदर डाल के VR एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे या फिर अब तक की भी बात कर ले, तो बोला जाता है कि हमें टीवी के पास बहुत बैठ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें खराब होती है, हमारी आंखों पे नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर वहीं पे VR की बात कर लो, तो ये VR हेडसेट आपके सर के ऊपर, आपके आंखों के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो इसका कितना नुकसान है आपकी आंखों पे। VR हेडसेट की पॉपुलैरिटी अब तक जितनी बढ़ी है, इससे और ज्यादा ये बढ़ेगा, चाहे वो मीटिंग हो, टीचिंग हो, मेटावर्स हो, चाहे वो गेमिंग हो, मतलब मैक्सिमम फील्ड में आप जहां जहां सोच सकते हैं वहां पे आपको VR हेडसेट देखने को मिलेगा, थैंक्स टू स्टीरियोस्कोपिक टेक्नोलॉजी कि ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। हमारी दो आंखें होती है, जो हमारा एक आंख होता है जिस एंगल पे ये देखता है, दूसरा आंख थोड़े से डिफरेंट एंगल पे देखता है, आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं। और दोनों आंखें जो इमेज या फिर वीडियो कैप्चर करती है उसे ब्रेन स्टिच करता है और एक 3D फिगर ऐसा लगता है कि यहां पे वो सामान रखा हुआ, यहां पे वो सामान रखा हुआ, यहां पे कैमरा है, यहां पे लैपटॉप है, ये सारा कुछ हमें पता चल पाता है और उसका डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर पाते हैं आंखों से। क्योंकि अगर आप अपनी एक आंखें बंद करके या फिर आप अपने बस एक आंख से देखेंगे, तो आपको यहां पे डिस्टेंस का आइडिया नहीं लग पाएगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और 3D इमेज बनाने का यही कॉन्सेप्ट VR हो या फिर वो आप मूवी थिएटर के अंदर जाकर कोई मूवी देखते हैं, कोई 3D मूवी देखते हैं, हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। अभी जो आप यहां पे ये इमेज देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एक 2D इमेज है, ये एक बिल्कुल एक सरफेस पे लगा हुआ रखा हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं पे इस ब्लू वाले स्क्वायर को या फिर रेक्टेंगल को अगर यहाँ पे मैं शेडो दे दूँ, तो यहाँ पे ये लगता है कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। तो किसी भी चीज का डिस्टेंस जो है वो उसके डेप्थ से पता चलता है। यहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर शेडो देने से इसके डेप्थ का आइडिया लगा और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये स्क्वायर जो थोड़ा सा उठा हुआ है। और हमारी आंखें जो दो अलग अलग एंगल पे वीडियो या फिर इमेज कैप्चर करती है, एक्चुअल में यहाँ भी यही हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि कार्डबोर्ड हो या फिर वो सस्ता वाला VR हेडसेट हो, इसके अंदर आप जब फोन को डालते हैं तो फोन के अंदर आपको दो स्क्रीन यहाँ पे चलाना पड़ता है, यानी कि आपको एक ही डिस्प्ले के अंदर एक ही वीडियो दो अलग अलग पार्ट में चलता रहता है। ये हो गई सस्ते वाले VR हेडसेट की बात। और कंफर्ट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा और मेजर डिफरेंस क्या होता है। और जो महंगा वाला होता है उसके अंदर दोनों आंखों के लिए अलग अलग डिस्प्ले लगा हुआ रहता है और बहुत सारे सेंसर भी होते हैं, ताकि आपकी प्रॉक्सिमिटी और जो भी हलचल आप कर रहे हैं वो पता लग सके। अब करते हैं आंखों की बात। जब आप लैपटॉप पे या फिर फोन पे बहुत देर तक एक ही जगह पे नजर गड़ाए काम करते हैं, मूवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी करते हैं, अगर कॉन्स्टेंटली आप स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता हो कि आपके आंख पे दर्द हो रहा है या फिर आपके आईज में स्ट्रेन है, फेटिग है। और इसी वजह से ऑफिस में बोला जाता है कि आप हर घंटे 15 मिनट के लिए आंखों को ब्रेक दें। ब्रेक का मतलब यह है कि आप आंखों की मूवमेंट करें। अगर आप लैपटॉप या फिर फोन की तरफ देख रहे हैं, तो अपने आंख को थोड़ी दूर पर देखें, थोड़ा नज़दीक लाएं किसी चीज़ को देखने के लिए, मतलब जहां भी एक कांस्टेंट फोकस आपका लगा हुआ था उससे थोड़ा सा यहां पे आंखों को मूवमेंट दें। अगर आप VR हेडसेट को बहुत देर तक लगा के देखते हैं, तो आपको यहां पे मोशन सिकनेस हो सकता है, या फिर अलग वर्ड में कह ले तो आपको यहां पे साइबर सिकनेस हो सकता है, जहां पे कि आपके जो भी सेंसर्स हैं और आपका जो मूवमेंट है वो सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं हो पाता है। अगर मैं मोबाइल के टर्म्स में बोलूं, आपके दिमाग को लगता है कि यहां पे हर कुछ मोशन में है और आपका बॉडी क्योंकि यहां पे रेस्ट में था, तो दोनों चीजें यहां पे आपस में तालमेल नहीं बैठा पाती हैं। तो इसे यहाँ पे कह सकते हैं ये मोशन सिकनेस है। अगर आप VR हेडसेट के अंदर कोई झूला झूल रहे हैं, कोई रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं और आपका बॉडी बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल है, स्टैटिक है और आपका दिमाग पूरी दुनिया घूम रहा है, तो यहाँ पे मोशन सिकनेस हो सकता है। और क्योंकि स्क्रीन आपके आंखों के सामने हमेशा लगा रहता है और एक कॉन्स्टेंट फोकस पे रहता है, तो फिर से यहाँ पे आपके आई में स्ट्रेन और आई फैटिग यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर बात कर ले ऑक्यूलस VR हेडसेट, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि शुड नॉट बी यूज्ड बाय चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 30। और आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ये बच्चों के साइज का होता नहीं है और साइजिंग की वजह से यहाँ पे डिस्कम्फर्ट या फिर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। और जो 13 साल से बड़े बच्चे हैं वो भी यहाँ पे प्रोलॉन्ग यूज इस चीज का नहीं करें। और वही बात यहाँ पे आगे लिखी गई है कि एज दिस कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटी। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या फिर जो आंखों के चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे VR हेडसेट से आंखों की रोशनी जा सकती है, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। और कुछ का कहना है कि हाँ यहाँ पे ब्लरी विजन आता है और कुछ का कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आप अगर यूज करेंगे तो बस यहाँ पे आंखों में दर्द, आंखों में मतलब स्ट्रेन आएगा और यहाँ पे आई फैटिग आपको देखने को मिलेगा। तो हर डॉक्टर, हर रिसर्च अपनी अपनी बातें अलग अलग लेवल पे करता है। और अगर रिसर्च की बात कर ले, तो हम एक पूरी जनसंख्या में से कुछ सैंपल साइज उठाते हैं और उसके अंदर भी उसका कॉन्फिडेंस
लेवल क्या होता है, ये सारा कुछ देख के यहाँ पे सैंपल साइज को उठाया जाता है। तो ये कभी भी एक्यूरेट हो नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी साबुन अगर लाइफबॉय की बात करें तो वो 99.9% जर्म्स को मारता है, लेकिन यहाँ पे 0.1% जर्म्स यहाँ पे बच जाता है। जो भी रिसर्च अभी तक हुए हैं वीआर हेडसेट को लेके, एक तो अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्च हुए नहीं है और बहुत ज्यादा डेटा अभी तक है नहीं। तो जो भी हुए हैं, एक बात तो तय है कि आंखों में स्ट्रेन और फेटिक तो होता ही है और साथ में मोशन सिकनेस भी होता है, ये तो कन्फर्म है। अब आंखों के विजन पे क्या इसका असर पड़ता है, इस चीज को लेके अभी तक कुछ कन्फर्मेशन है नहीं। लेकिन बेहतर होगा कि जब भी आपके आंखों में दर्द या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप तुरंत वीआर हेडसेट को निकाल के हटाइए और जो आपका एक फिक्स्ड फोकस था उसे यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। ऐसा नहीं है कि वीआर हेडसेट के फायदे नहीं है, बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के अंदर इसका फायदा भी लिया जाता है, जो कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ कुछ विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे है जो कि इसके थ्रू ठीक किए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। We'll be right back.